दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर किसी भी लड़की को अपनी मां की मौजूदगी में सुहागरात मनाने की अजीब परंपरा है। दोस्तों, यहां पर नाजायज संबंधों का बाजार इतना गर्म है कि इनके लिए मां बेटी या भाई बहन का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, इन्हें तो बस अपने मजे से मतलब होता है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, इस वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसे घिनौने रीति रिवाजों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, जिस देश के बारे में आज हम आपको जानकारियां देने वाले हैं उसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया का औपचारिक नाम है ऑफिशियल ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया को पूरी तरह से आज़ादी 1813 में मिली। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। यहाँ की औपचारिक भाषा स्पेनिश है। कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर रखा गया है। कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां पर ज्यादातर समय सर्दी का मौसम नहीं होता। कोलंबिया का एक तिहाई हिस्सा अमेजन के जंगलों से घिरा हुआ है। कोलंबिया में एक कमाल की नदी पाई जाती है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह सात रंगों में बहती है। इस नदी का नाम क्रिस्टल है। इस नदी को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि पानी में रेनबो के इफेक्ट आ गए हैं। दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले पक्षियों की ज्यादा प्रजातियाँ कोलंबिया में पाई जाती हैं। कोलंबिया के लोग एक दूसरे से बात करते समय या फिर हाथ मिलाते समय आंखों में आंखें डालकर बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोलंबिया के कानून के अनुसार वहां पर सुबह और शाम रेडियो और टीवी पर राष्ट्रीय गीत चलाया जाता है। 1991 में कोलंबिया की कैपिटल में सबसे ज़्यादा मर्डर हुआ करते थे और उस समय यहाँ पर हर दिन 17 मर्डर हुआ करते थे। उन दिनों में कोलंबिया को मर्डर कैपिटल के नाम से भी जाना जाता था। कोलंबिया में अगर कोई इंसान बैंक से बहुत सारे पैसे निकाल कर ले जा रहा है तो वहाँ पर पुलिस का काम होता है उसे घर तक सुरक्षित छोड़कर आना। कोलंबिया के लोग हर समय काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। इसके अलावा नाच गाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है। दोस्तों, शकीरा कोलंबिया की एक बहुत फेमस सिंगर है। कोलंबिया की औरतें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती हैं और जो महिला कम अट्रैक्टिव होती है वह महिला अपने आप को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेती है और ऐसा करना इस देश में काफ़ी ज़्यादा आम बात है। कोलंबिया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वह इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं और उनका लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। कोलंबिया में गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर काफ़ी ज़्यादा है। कोलंबिया में मौजूद ज़्यादातर लोग स्पेनिश भाषा में बात करना पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ की कल्चर में स्पेनिश कल्चर का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कोलंबिया में होता है जिसे बैरवा अमेरिकाना कहा जाता है। कोलंबिया में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कोकीन का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से कोकीन सबसे ज़्यादा अमेरिका में भेजा जाता है। कोलंबिया की कुल आबादी लगभग 5 करोड़ है, जिनमें से 90% से ज़्यादा ईसाई धर्म का पालन करते हैं और दूसरे धर्म यहाँ पर 1% से भी कम है। दोस्तों, शारीरिक संबंध बनाने से जुड़ी दुनिया में कई परंपराएं हैं। कुछ के बारे में आपको पता होगा लेकिन कईयों के बारे में आप भी अनजान होंगे। लेकिन कोलंबिया में ऐसी सुहागरात की परंपरा है जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल कोलंबिया में परंपरा है कि यहाँ महिला को अपनी माँ के सामने ही पहली बार अपने पति के साथ सेक्स करना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, माँ इस क्रिया को देखती भी है। परंपरा ऐसी है कि आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अपने अलग अलग कानून और परंपराओं की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले कोलंबिया में यह अपने आप में एक अनूठी परंपरा है। दोस्तों, कोलंबिया एक ऐसा देश है जहां ऑफिसों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां बॉस होती हैं। कोलंबिया हर साल 20 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस देश में कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं जिनके लिए इन्हें हर साल 18 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा छुट्टियाँ देने वाला कोलंबिया देश ही है। कोलंबिया का झंडा 3 रंगों से मिलाकर बनाया गया है। ऊपर पीली पट्टी और बीच में नीली पट्टी और सबसे नीचे लाल पट्टी को मिलाकर यह झंडा बनाया गया है। यहाँ पर पीली पट्टी का मतलब होता है मुल्क में ज़्यादा सोना, नीला रंग समुद्र को जाहिर करता है और लाल रंग आज़ादी में बहे खून का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये था कोलंबिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।